गया जिले में धड़ल्ले से अवैध बालू उठाव का कारोबार चल रहा है। तमाम प्रयासों के बावजूद प्रशासन बालू माफियाओं पर लगाम लगाने में फेल है। शेर घाटी थाना इलाके के श्रीरामपुर पंचायत में इस बार प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की है। मोरहर नदी दो मुहान पर छापेमारी की गई। अवैध बालू खनन कर रहे नदी घाट से तेज ट्रैक्टर और दो पोकलैंड मशीन को जब्त किया गया है। मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। SDO और DSP ने कई थानों की पुलिस टीम के साथ ये कार्रवाई की है। SDO अनिल कुमार रमन ने बताया कि कई दिनों से अवैध खनन की लगातार सूचना मिल रही थी, जिसके बाद संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। हमें पड़ता है, अभी हम लोगों ने माइंस वाले को बुलाए हैं, फिर उसके बाद पूरी तरह से आइडेंटिफाई हो पाएगा कि क्या है, कहाँ का, किस कौन सा पार्ट पड़ता है, क्योंकि जो धमनिया के एरिया है ऑलरेडी उधर खनन हो रही है, वो यहाँ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पे है और रोशनगंज भी करीब 1 किलोमीटर की दूरी पे, ये बीच का एरिया है। आसपास कई घाट हैं सर, क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? अब बिल्कुल होगी, जो भी इलीगल काम कर रहा होगा, इलीगल माइनिंग कर रहा होगा, निश्चित रूप से होगा और अभियान चल रही है, निश्चित रूप से सब पे कार्रवाई होगी। इलीगल माइनिंग और अगर कई लीगल घाट भी है, वो भी जो गवर्नमेंट का निर्धारित दायरा है उसके दायरा से अधिक खनन करते हैं, उससे अधिक डीप जाता है, तो उसी लोगों पर भी कार्रवाई होगी। देशवा न्यूज के लिए गया से सुभाष की रिपोर्ट।